मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सागर। ओम श्री गणेश देवताय नमः, ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री गुरु देवताय नमः, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़ापा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांगल का सुनाने जा रहा हूं। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज शनिचर, तारीख 12 अगस्त 2023, शालिवन शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु वर्षा। मास अधिक श्रावण, पक्ष कृष्ण। तिथि एकादशी, सुबह 6:32 के बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आद्रा नक्षत्र है, जो दिन रात रहेगा दोस्तों। योग दोस्तों हर्षण योग है, दोपहर 3:22 के बाद वज्र योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है, सुबह 6:32 के बाद कौलव करण शुरू होगा और रात 7:24 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि से तिकोची इस प्रकार है। सुबह 5:30 बजे सूरज कर्क राशि में होंगे, चांद मिथुन राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:20 पर होगा और निगमन जो है शाम 7:07 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, अभी इसी पंचांग के सहारे हम आज की नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए अब आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़े से थोड़ा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले लें और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राधे, प्रवर्तमान सत्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वते कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चालना शालिवान शके 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरो में शोभन नाम संवत्सर दक्षिणायने वर्षा ऋतु अधिक श्रावण मासे कृष्ण पक्षे शनिचर वासरे आद्र नक्षत्रे हर्षन योगे पालव करणे द्वादशी शुभ दिन वीर गोत्र में उत्पन्न मई कड़प्पा मोह पात दुर्त क्षेत्र वासी पार्वती पति परमेश विद्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करी से एवं इष्टलिंग पूजा करी से। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 6:32 तक है। इसके बाद पंचांग बदल रहा है दोस्तों, इसीलिए आपको अगर संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए तो कृपा करके आप ऊपर वाले बदलते हुए पंचांग का सहारा दे दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे हम लोग। दोस्तों, अमावस नजदीक आ रही है, इस कारण अब कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। इसमें सगाई तथा मंगनी, गोद भराई, नामकरण, मुंडन या चूड़ाकरण,
गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पायाभरण, देव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे किसी भी विधि के लिए मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऐसे समय में अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण न करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन न करें, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य जो जानकारी है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है, दिन विशेष परमा एकादशी है दोस्तों, जो भक्तगण भगवान विष्णु की सेवा करते हैं एकादशी के माध्यम से, तो उन्हें मेरी विनती है कि कृपा करके आप नियमों का पालन करें। उपवास करना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका नियमों का पालन करना ये बड़ी बात है। अगर आप वैसे करते हैं तो ही आपको उसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। अगर नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए आप नियमों को जो वीडियो है वो देखिए दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर सुबह 6:32 के पास हाजिर है, उसके पहले आप जो रेगुलर आपके होम हवन है कर सकते हैं, लेकिन नया कोई कर शुरू करना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा 6:32 के बाद ऐसा योग बन रहा है। राहु काल दोस्तों सुबह 9 से 10:30 तक है। कृपा करके अगर किसी का काम इस काल में अगर नहीं बनता है, बिगड़ता रहे, तो कृपा करके आप अपने इष्ट देव से प्रणाम करें और उनको विनंती करें कि मेरा काम पूरा हो जाए, शायद हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो आप इस समय को छोड़कर और किसी समय में आपका काम पूरा करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों संकल्प छोड़कर पूजा करने से 100% और जल्द फलदायी पूजा अगर हम करते हैं संकल्प के साथ, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो। और कमेंट्स बॉक्स में मैं आप अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाओ। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न भी रहें दोस्तों। हरिओम, शिव शंभो महादेव।